गोहद में पहुंचे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पहुंची आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस कर्मियों द्वारा बल प्रयोग कर रोका गया और प्रदेश के मुखिया इस नजारे को मंच से देखते रहे। दरअसल कोविड के चलते क्षेत्र में कार्य करने के लिए कोरोना योद्धा की संख्या देकर 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक आशा कार्यकर्ताओं को उक्त सुविधा का लाभ नहीं दिया गया। अपनी उक्त मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताएं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पहुंची, लेकिन पुलिस कर्मियों ने बलपूर्वक जाने से रोका और उनसे ज्ञापन की कॉपी छीनकर फाड़ दी। सभी लोग भिंड जिले की आशा एवं आशा सहयोगी कार्यकर्ताएं हैं। हम सभी ने कोरोना काल में, जैसा कि अभी मंच के माध्यम से बताया जा रहा था कि हमारे भिंड जिले में कोविड-19 के पेशेंट हुए तो, लेकिन जल्दी ही सूचना के आधार पर उनका तत्काल ट्रीटमेंट हुआ और जल्दी ही वो ठीक भी हो गए। तो इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में हम आशा कार्यकर्ता आते हैं जो कि जमीनी स्तर पर चिन्हांकन करते हैं, मरीजों का सर्वेक्षण करते हैं, समय समय पर उनकी सूची से स्वास्थ्य विभाग को प्रदान करते हैं और उसके बाद तत्काल उन्हें क्वारंटाइन करवाते हैं और शासन की जो दिशा निर्देश है उनका पालन भी करवाते हैं। तो उसी के संदर्भ में हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमने कोविड-19 के तहत इतना अच्छा काम किया है, तो आप सभी भाषणों के दौरान भी आपने कभी एक बार भी नाम नहीं लिया, तो क्या हम लोगों का योगदान शून्य है? यदि शून्य है तो आप मंच से घोषणा करिए, और नहीं है तो हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो कि घोषणा की थी आपने 10,000 की देंगे, उस 10,000 की राशि को प्रदान कीजिए। अभी तक शासन ने हमें मात्र 30 रुपये प्रतिदिन दिया है और आशा सहयोगी कार्यकर्ता को 15 रुपये प्रतिदिन। आप भी जानते हैं 100 रुपये का सैनिटाइजर आता है जो कि हम फील्ड में इतना घूमते तो हमारा एक दिन के लिए ही होता है, तो 30 रुपये में हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो ना सिर्फ हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि पूरे समुदाय की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि यदि हम संक्रमित होंगे तो हमारी वजह से पूरा हमारा समुदाय भी संक्रमित होगा, तो स्वास्थ्य की जो रेटिंग है वो घटेगी ना कि बढ़ेगी। तो आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार मंच पर आकर के कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश की सभी बहनों का भाई हूँ, सभी महिलाओं का भाई हूँ, तो क्या हम आशा कार्यकर्ता महिलाएं नजर नहीं आती है? तो क्या वो हमारे भाई नहीं है? यदि हमारे भाई हैं तो हमारे बच्चों के साथ यानी अपने भांजों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को एक सम्मानजनक प्रोत्साहन राशि दें जिससे हम लोग काम कर सके, अपना जीवन यापन कर सके और हमारी इस बात को वो सुने। बगैर सुने वो कैसे समझ पाएंगे? आपका शुभ नाम और कहाँ पदस्थ हैं आप, वो बता दें। हमारा नाम श्रीमती लक्ष्मी कौरव है और हम लाहौर में आशा सहयोगी के रूप में पदस्थ हैं और ये पूरी हमारी भिंड जिले की टीम है।